हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपका इन्वेस्टमेंट्स। आप सबका प्यार ऐसे ही मिलता रहता है, इसलिए हम आपके लिए डेफिनेटली अलग अलग वीडियोस लेके आते हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं। आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई स्ट्रैटेजी नहीं शेयर करने वाला हूँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं शेयर करने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा साइकोलॉजी ऑफ मनी। जी हाँ, हमें इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, हमारे डिसिप्लिन को कैसे बढ़ाना है, हमारे ट्रेड में डिसिप्लिन कैसे लाना है, हमारे इमोशन कंट्रोल के साथ कैसे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को यूज करके पैसा बनाना है, आज हम वही सारी बातें करेंगे। आज कोई स्ट्रैटेजी नहीं सीखेंगे, आज कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, आज जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का। जी हाँ, काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करें, कैसे इन चीज़ों को ओवरकम करें। हम जब भी ट्रेड लेते हैं तो प्रॉफिट्स तो डेफिनेटली दिखते हैं, बट हम छोटे प्रॉफिट्स में निकल जाते हैं और लॉसेस बड़े हो जाते हैं, और काफ़ी बार हम जब वेट करते हैं बड़े प्रॉफिट्स के लिए तो वो आया हुआ प्रॉफिट भी चला जाता है और फिर से हमें लॉस बेयर करना पड़ता है। तो कैसे इस चीज़ को हम एक डिसिप्लिन वे में करें और कैसे स्टॉक मार्केट को हमारी लाइफ का एक साइड इनकम बनाए या मेन इनकम बनाए। आज की तारीख में स्टॉक मार्केट टॉप पे नहीं, बहुत टॉप पे चला गया है। काफ़ी लोगों के लिए तो ये ब्रेड एंड बटर भी बन चुका है। जी हाँ, काफ़ी लोगों की लाइफ तो अब स्टॉक मार्केट पे चलती है। तो आज के इस वीडियो में हम सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, जिसे कहते हैं साइकोलॉजी को कंट्रोल करना। कैसे हम हमारी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं और कैसे इस मार्केट में हम एक लॉन्ग टर्म इनकम प्लान बना सकते हैं कि उसके बाद हमें जॉब की ज़रूरत ना पड़े और हमें घर बैठे स्टॉक मार्केट में सिर्फ 2-3 घंटे टाइम देकर सुकून से अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को टाइम देते हुए पैसा मिले। यही कॉन्सेप्ट को आज हम सीखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और डेफिनेटली ऐसे ही हमें जितना मोटिवेट करते हैं आज भी मोटिवेट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आज हम कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे और इतनी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जो कि डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। सबसे पहले तो ये कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे ट्रेड में एक डिसिप्लिन आए, हमारे ट्रेड में एक सिस्टम बने और हम उस सिस्टम पे रिलाय कर सकें। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप हर दिन एक नया सिस्टम लेके मार्केट में आते हैं, रोज़ एक नए प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग करते हैं, रोज़ एक नई स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेडिंग करते हैं। कभी इधर प्रॉफिट हुआ, कभी उधर प्रॉफिट हुआ और एक भी दिन लॉस हुआ तो हमने स्ट्रैटेजी चेंज, प्लान चेंज। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको किसी भी एक स्ट्रैटेजी को चूज़ करना होगा। मैंने भी यहाँ पर YouTube पे आप लोगों के साथ बहुत सारी स्ट्रैटेजी शेयर की हैं, अगर वो सारे वीडियोस नहीं देखे तो शांति से बैठकर देखिए। हर स्ट्रैटेजी अपने आप में यूनिक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी स्ट्रैटेजी कमज़ोर है या कोई भी स्ट्रैटेजी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सारी स्ट्रैटेजीज अच्छी है, आपको चूज़ करना होगा कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी आपके माइंडसेट के साथ बैठती है। क्या आप एक डे ट्रेडर हैं, क्या आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं, क्या आप लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं, या जैसे कि मेरे स्विंग ट्रेडिंग के वीडियोस लोगों को बहुत पसंद आते हैं तो आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, यानी आपने आज ट्रेड लिया और आपका ट्रेड 5 से 10 दिन में एग्जिट दिखाता है, ऐसे ट्रेडर हैं। आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, पहले ये सवाल आपको खुद को पूछना होगा। तो अगर अभी तक आपके पास अभी नोटबुक और पेन नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा आज एक नोटबुक और पेन लेकर बैठिए इस वीडियो में, क्योंकि हमें हर पॉइंट को बहुत क्लियरली खुद से पूछना है, खुद के साथ ये सवाल पूछने हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमें खुद से पूछना है कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ, मुझे ज़्यादा मज़ा किस में आता है, क्या मुझे डे ट्रेडिंग करने में मज़ा आता है, क्या मुझे ऑप्शंस ट्रेडिंग करने में मज़ा आता है, या मुझे जीवन में सुकून चाहिए, मुझे तो आज इन्वेस्टमेंट करना है और 2-3 महीने तक डिस्टर्ब नहीं होना है, मुझे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है कि आज ट्रेडिंग किया
लेकिन मुझे आराम से 15-20 दिन में रिजल्ट मिलेगा, चलेगा, या मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ कि मैंने अभी ट्रेड डाला और मेरा ट्रेड 4-5 दिन में एग्जिट हो जाना चाहिए। देखिए, हर इंसान यही कहेगा, आपके सवाल में सबसे पहला आपके जो जहन में आंसर आएगा वो ये होगा कि मुझे तो ऑप्शंस में मज़ा आता है। देखिए, स्टॉक मार्केट कोई मज़े की चीज़ नहीं है, आप यहाँ कैसीनो खेलने नहीं आए हैं, आप इसे एक इनकम का सोर्स बनाने आए हैं। तो यहाँ पर मज़े का पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप मार्केट को कितना टाइम देंगे। सब लोग ऑप्शंस करना चाहते हैं, बट कैसे करना चाहते हैं, मेरी तो दुकान चल रही है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें से जब भी टाइम मिले तो आधा घंटे में 1,000-2,000 यहाँ से कमा लूँ, ऐसा नहीं होता है। मैं मेरे हर स्टूडेंट को ये सिखाता हूँ कि आपको ये चीज़ खुद से पूछनी पड़ेगी कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो क्या आप 9 से 3.5 इस मार्केट को दे पाएंगे। अगर आप 9 से 3.5 मार्केट को नहीं दे पाते तो डेफिनेटली आपको ऑप्शन ट्रेडर नहीं बनना चाहिए। आप खुद से रियलाइज कीजिए, आपके ज़्यादातर लॉसेस सिर्फ इस वजह से हुए क्योंकि आपने ट्रेड तो ले लिया लेकिन फिर आपका ध्यान इधर उधर हुआ, आपकी जॉब थी तो आपकी बॉस ने मीटिंग में बुलाया, इधर आपका ऑप्शन पीछे चला गया। प्रॉफिट आते हुए भी आपको बड़े लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। आप बिजनेस पे हो, आप रोड पे चलते हुए चाहते हो कि आप ऑप्शन के थ्रू पैसा कमाओगे, ऑप्शन इस तरीके से नहीं किया जाता। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडर बनना है तो डेफिनेटली आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा। डिसिप्लिन ट्रेडर यानी आपको 9 से 3.5 इस मार्केट को देने पड़ेंगे। आप 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक सिर्फ और सिर्फ 20 दिन इस मार्केट को दीजिए। आज का ये वीडियो आपको याद आएगा 21वें दिन कि यस सर ने मेरी ऑप्शंस ट्रेडिंग की जर्नी को चेंज कर दिया। सर के उस वीडियो को देखने के बाद मैंने 21 दिन यही प्लान फॉलो किया, 9:15 से 3:30 मार्केट में बैठा तो मुझे ऑप्शंस में अब धीरे धीरे पैसा दिखने लगा है, धीरे धीरे मेरा पैसा बनने लगा है। देखिए, पैसा बनाना या पैसा गंवाना इस मार्केट में बड़ा नहीं होता है, ओवरऑल आप कितना पैसा कमाते हैं वो बहुत बड़ा होता है। आपका 21 दिन ज़रूरी नहीं है कि 21 दिन में आप रोज़ प्रॉफिट करेंगे। मान लीजिए आपने 10 दिन लॉस भी किया लेकिन वो जो 11 दिन आपने सुकून के साथ मार्केट को टाइम देकर जो पैसा कमाया है और नेट में जब आपको दिखेगा कि नहीं यार मुझे महीने में चाहे 10,000 भी मिला लेकिन मेरे डिसिप्लिन की वजह से मिला, फिर आपका जो ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी होगी वो स्ट्रांग नहीं सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉइन स्विच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। ये एक जबरदस्त ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अच्छे से और बहुत ही आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर अभी चल रहा है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं यानी कोई भी चीज बाय करते हैं तो आपको सीधा 1% कैशबैक मिलता है और कॉइन स्विच पे आपको 0 ट्रेडिंग फी मिल रही है for all crypto purchases for 30 days. CoinSwitch एक बहुत ही trusted platform है जो कि FIU registered platform है जिसने इंडिया में अपने customers के सामने एक खास important भरोसा जताया है। यहाँ पर 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने भरोसा जताया है। यहाँ पर यूजर के लिए एक स्पेसिफिक थिंग और 2FA का सिस्टम है जो लोगों को और भी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें SSL और TSL इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल का भी सहारा लिया जाता है जिसकी वजह से आपके ट्रांजैक्शन को और भी ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है। यहाँ पर हर चीज ट्रांसपेरेंट रखी गई है, खास करके कि जब आप कोई भी सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर इस ट्रांसपेरेंट की बहुत जरूरत होती है और इसी के लिए कॉइन स्विच इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग प्रूफ ऑफ रिजर्व भी मेंटेन करता है जो आपको उनकी वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पर हर चीज ट्रांसपेरेंट रखी गई है, खास करके जब आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे या सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर उसकी खास जरूरत होती है और इसी के लिए कॉइन स्विच आपके लिए ट्रेडिंग रिजर्व का एक प्रूफ ऑफ रिजर्व मेंटेन करता है। जी हाँ, जिसे आप जाकर उनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और ये आपको प्रोवाइड करता है कि कैसे कंपनी आपके रिजर्व को या आपके प्रूफ ऑफ रिजर्व को मेंटेन करके आपको और भी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉइन स्विच पे सभी यूजर्स के रिडम्पशन को भी कवर किया जाता है जो कि ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाता है, प्रूफ ऑफ रिजर्व को मेंटेन किया जाता है। आप सब 31 मार्च 2024 तक का डेटा भी आज चाहे तो उनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की होल्डिंग्स की, तो टोटल कस्टमर्स की होल्डिंग है 2774.1 करोड़
जबकि कंपनी की होल्डिंग है 3,497.22 करोड़, जो कि उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है कि वो कंपनी कितनी स्ट्रांग है। यहाँ पर 1:1.1 का रिजर्व मेंटेन किया गया है, यानी कस्टमर से भी ज्यादा कंपनी की खुद की होल्डिंग है अगर मार्केट में देखा जाए तो। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फिर आप कॉइन स्विच को यूज कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बहुत ही इजी टू यूज एप्लीकेशन है, जिसको लोग काफी सालों से यूज कर रहे हैं और एक भरोसेमंद एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ अभी ऑफर भी चल रहा है 1% कैशबैक का। जी हाँ, आप कुछ भी बाय करते हैं आपको सीधा कंपनी 1% कैशबैक ऑफर कर रही है। तो देर किस बात की, फटाफट से अपना अकाउंट ओपन कीजिए, जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे क्लिक कीजिए, अकाउंट ओपन कीजिए और स्टार्ट करिए आपकी जर्नी कॉइन स्विच ऐप के साथ। तो सबसे पहले तो खुद को ये सवाल पूछिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। अगर आप मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर हैं तो ही आपको इंट्राडे और ऑप्शन में जाना चाहिए, और अगर नहीं तो हमारे लिए स्विंग ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है, लॉन्ग टर्म भी बहुत अच्छी चीज़ है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर हम शांति से ऑफिस से आने के बाद भी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन स्टॉक्स पे अगले दिन ट्रेड लगा के शांति से अपना काम भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, लोगों से भी मिल सकते हैं, पर धीरे धीरे हमारा पोर्टफोलियो ग्रो होगा। तो ये तो सबसे पहला जो आपको आज मैंने खुद से ये सवाल पूछने का, तो ये था हमारा सबसे पहला सवाल कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ। अब दूसरा सवाल ये होता है कि क्या हम एक ट्रेडिंग जर्नल क्रिएट करते हैं, क्या आपके पास आप जो ट्रेड करते हैं उसका रिकॉर्ड है? नहीं होता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ ट्रेड करते हैं और उनके पास पूछा जाए कि आपने 5 दिन पहले ये ट्रेड क्यों लिया था तो जवाब भी नहीं होता है। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल का मतलब क्या होता है कि आपने जो ट्रेड लिया वो क्यों लिया। सबसे पहला आंसर ये होना चाहिए कि उस ट्रेड के पीछे क्या स्ट्रेटजी आपने यूज़ की थी, दूसरा उसकी एंट्री क्या थी, तीसरा उसका एग्जिट क्या था, चौथा उसका स्टॉप लॉस क्या था और पांचवा उसका टारगेट क्या था। आप चाहें तो इसका एक एक्सेल क्रिएट कर सकते हैं। अगर एक्सेल के लिए आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो आप डेफिनेटली हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9601124005। ये नंबर पे आप कॉल करके कह सकते हैं कि सर ने वीडियो में एक लेजर की, एक्सेल की या ट्रेडिंग जर्नल की बात की थी, क्या हमें उसका एक फॉर्मेट मिल सकता है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग जर्नल। ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ लाइव शेयर करते हैं, उनके साथ पूरा डिटेल में एक एक चीज़ सिखाते हैं। मैं जो 2 महीने का कोर्स अपने स्टूडेंट्स को कराता हूँ, मैं सबको मुँह पर कहता हूँ दैट दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग थिंग। आपने जीवन में बहुत पढ़ाई की होगी लेकिन अगर 2 महीने आपने हमारे साथ स्टॉक मार्केट सीख लिया तो ये एक अलग एक्सपीरियंस होगा। ये आपको कमा के कितना देगा ये तो आपके डिसिप्लिन पे होगा, लेकिन आप गवाएंगे नहीं, ये मेरा डिसिप्लिन है। ये कॉन्फिडेंस से मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और इसी कॉन्फिडेंस से मैं कॉल्स भी बनाता हूँ। मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हम लोग बहुत अच्छे अच्छे और अलग अलग सेगमेंट्स में कॉल देते हैं। हम इंट्राडे में इंडेक्स ऑप्शंस के कॉल देते हैं, हम इंट्राडे में स्टॉक ऑप्शंस के कॉल्स देते हैं, हम स्विंग के पोजिशनल कॉल्स देते हैं, लॉन्ग टर्म कॉल देते हैं, इंट्राडे के कैश और फ्यूचर सेगमेंट में कॉल देते हैं। ये सारे कॉल्स देते हैं विद 80-90% एक्यूरेसी। अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और देखिए कि किस लेवल के कॉल्स हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उसके बाद भी हमारे पेड प्रीमियम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नंबर सेम ही है 9601124005। ये नंबर तो सेव करके रख लीजिए अपने फ़ोन में, ये बहुत काम आने वाला है क्योंकि आप इसके थ्रू हमसे कोर्सेज कर सकते हैं, आप इसके थ्रू हमारे साथ प्रीमियम चैनल में जुड़ सकते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टिक टू द प्लान। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक स्ट्रेटजी पे कम से कम भी 100 ट्रेड तक काम करना चाहिए, फिर ही अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए। 100 ट्रेड तक काम करना ज़रूरी नहीं है, आप 100 ट्रेड तक पेपर ट्रेड कीजिए। आपको लगता है कि यस ये स्ट्रेटजी मैंने 100 बार पेपर ट्रेड किया, मैंने उसका ट्रेडिंग जर्नल क्रिएट किया और उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि यस मैं 100 में से 80 बार सही पढ़ा हूँ, मैं 100 में से 70 बार सही पढ़ा हूँ, मुझे अब
स्ट्रैटेजी पे पैसा लगाना चाहिए। आप 100 बार जब किसी भी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा, फिर आप 2-5-10 हज़ार से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपने आप पैसा बड़ा लगाएंगे, क्योंकि अब आपने अपने इमोशन को बांध दिया है, अब आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है। ये वीडियो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आज की इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स कवर कर पाएंगे, तो इसके लिए डेफिनेटली हम इसी साइकोलॉजिकल कंट्रोल वाले वीडियो का एक पार्ट 2 भी जल्दी से लॉन्च करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आज आपका टास्क है कि सर लॉन्च द सेकेंड पार्ट। आपके इस कमेंट से डेफिनेटली मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं सेकंड पार्ट को बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लॉन्च करूंगा। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स ऑन करिए और लिखिए सर लॉन्च द सेकंड पार्ट, हमें और भी सीखना है। तो ये सारी बातें हमें इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। तो ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए फॉलो करते रहिए आपका इन्वेस्टमेंट्स। और हाँ, अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नहीं ज्वाइन किया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऑलरेडी शेयर कर लिया है, और हमारे पुराने वीडियोस को भी फिर से देखिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।